ये देखो भाई, आज शेरा का हमारे का वैक्सीनेशन है दूसरे नंबर का। हमारा आकाश भाई हूँ, इतना ज्यादा समझदार है, इतना ज्यादा समझदार है कि इसका इसको इंजेक्शन कब लगना था। अब देख कितना बड़ा है, तो देख कैसे गाड़ी में रुक रहा है। ओए पहले का चुपचाप। ये देखो भाई, ये शेरा पिटबुल अपना, और इसको लगना था नेक्स्ट ड्यू डेट इसकी क्या ही। ओए डेट ऑफ बर्थ है कि 25 जनवरी 2023। इन्हें कहाँ लेके जा रहा है? अरे मैं डेट ऑफ बर्थ कहाँ, एक तो मैं नंबर वंबर क्यों लिखे, ये माना खामा का मैंने भी यूनिवर्सिटी नंबर लिखो। हाँ ये रहा यू है भाई, ड्यू डेट 26/4। और अब चल, अब आ जा 1 जून, मतलब कितने दिन है गया अभी। ड्यू बहस आ रही है मुझे तो नवाबे दबावे तो हमारे कुत्ता रखे ना तेरे हम कहाँ लोग बाग अपने घर में भी कुत्ता रखे हैं यार। तो इन्हें कहाँ ले जा रहे बालक ने? चल शेरा बैठ जा बाबू आराम से। और भाई ये दोनों गाड़ियों में गरीबी देखो, अपना रिजर्व में तेल, दोनों गाड़ियों में तेल नहीं है यार। ये तो खैर देती नहीं कुछ एवरेज। यहाँ में तो मैं अब तक कोई 2500 को तेल करवा चुका, हर चक्कर के अलग जा रहा, हर चक्कर के अलग। भाई एक बार फुल करवा दो ना, क्या जरूरत आपको बार बार नहीं डलवाना पड़ेगा काश ब्रो। ये काम तेरा है, तेल वेल करवाने का, ठीक है ना? सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। आज मेरे और खर्चे हैं, तेरा अलग खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं तेरे? साथ ही सुधार जब, फिर तुझे पता चलेगा क्या खर्चे हैं। जिस ससुराल जाते हैं तो फल लेके जाते हैं, मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं। अच्छा जी, तो वो सब खर्चे इतनी सब स्कीमें होती है यार। डोल लो ऐसी है क्या? मोटा पापा लावे या तेरे पापा आवे? क्या लाते हैं? एक दर्जन केला। तो आकर आप अपने ससुराल क्या क्या लेके जाते हो? ये लेके जाता हूँ 2 किलो फल। क्या क्या? जो भी अच्छा लगता है, जो सीजनल होता है, अनार, अंगूर, सेब, केला। केला तो कभी नहीं ले जाता, केला तो सस्ता था। फिर तुझे वहां से विदा भी तो मिलती होगी ना, उसके बदले इन्वेस्टमेंट के बदले रिटर्न्स भी तो मिलते होंगे ना। वो कितने मिलते हैं वो बताने वाली बात है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। नए नए होते तो ज्यादा मिलते हैं, बाद में धीरे 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 रिड्यूस होते रहते हैं, ऐसा है क्या पता नहीं। चलो भाई अब अपने शेरा को सुबह ठुकवा के लेके आते हैं भाई। आज मैंने अपना व्रत तोड़ दिया फाइनली भाई। क्या बोला, जल निरत, क्या बोलते उसका? वाओ, निर्जल 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 व्रत रखा था भाई ने आपके ने भाई, पानी तक नहीं पिया था। पियो भाई कल, तुम गवाए मोदी नगर गए, टपका भी नहीं पिया भाई, बहुत कैड़ा होता है रखना। इनकी तो बता दे आग का इन्हें बैठा रखे, नहीं तो यही चीज क्यों बैठा रखे हैं इनको। शेरा से डर लगता है, जब पिछली बार मोटे ना खा गए तो इन्हें अब डर बैठ गए है, कहते हैं ये हमसे नफरत करता है ये शेरा। तो इसको अब रेबीज का इंजेक्शन इसीलिए लग रहा है, देखना कितना शांत बेचारा पप्पी है हमारा, कैसे आराम से चुपचाप बैठा रहता है यार। एक तो भाई हमारा इतना खर्चा ना इन केबलन में हो गए, क्या करें यार। ये जितनी मतलब केबल कितनी ले लो, कार प्ले चलाने के नहीं है ये, कहीं ना कहीं तो ना खराब हो ही जाए। जैसे यू केबल है भाई, इतनी बढ़िया केबल है, वैसे अगर यहाँ देखोगे तो इतनी बड़ी उन्होंने पैसे खर्च कर रखा है, पर यहाँ अगर पैसा खर्च कर देते तो कहा जाता। देख रहे हो क्वालिटी, देख रहे हो इतनी घटिया क्वालिटी की, कि यहाँ तो इन पे क्वालिटी देने पता ना कैसे मर जाएगा ये। 150 जन 170 रुपये के लिए मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई, मतलब एक कॉम्बो से मैं सब, मतलब वो रहे ना कि दो आइटम लोग इतना ऐड करके तो फ्री मिल जाएगी। मैंने सोची केबल ही ले लूँ भाई, तो मैंने आकाश भेजो या अंकल पर बहुत अच्छी केबल मिले हैं भाई, 150 रुपये में इतनी तगड़ी चले। हमारी खो जाए जन पता ना कौन निकाल ले जाए, जिस कोई गाड़ी में बैठो यार दो जट निकाल लेंगे। यू ये हमारा घनो ही भाई, घनो ही खर्चा हो गया केबल के मामले में ना। ओ देखो कहाँ सीट के नीचे घुस रहा है आकाश बालक ने, लग गए केबल लेने। खोलो ना आप, ले आयो गई हो बेट। एक मैंने भाई सेम ही है का ये ना अलग है, यू एम ब्रेन कंपनी की बहुत अच्छी केबल है, ले आ फेंक दे कबाड़ है। यू पे चल रहे हैं पर ये नहीं, हम कब तक पर ये यू निकाल रहे हैं, दयू आई में लग रहा पीछे, और अभी या तो यू निकालने लगे है शेरा है ठोस करके, तो यार काम आएगी वैसे बहुत तगड़ी है केबल, कहीं नार वार घोट नहीं होता। देखो कितनी केबल पड़ी है भाई हम पे, देख रहे हो आप यहाँ कितनी केबल केबल पड़ी, लेकिन सब अजीब सी पान वान का क्या रही है, सुपारी की सी इन पान धर रखो टपरीन पे। चलो भाइयों केबल मिल चुकी, देखे दी 200 बोलता है, मैं 100 दे के आता हूँ बताया ना 150 ले, 150 दे दिए मैंने, मैं पैसे पूछ लिया, मैंने कहा अरे अंकल इधर पूछ लिया तो रेट बढ़ा दिए, 150 करूंगा फिर। अरे यार तुम्हारा ही है,
तो फिर 6 महीने गारंटी भी है? सब गारंटी सी है। तो तूने वारंटी कार्ड तो ना लाया, और पहले तो डिब्बा माइक रही प्रॉपर। तो डिब्बा में धूल जम रही ना, डायमंड। अच्छा डिब्बा डिब्बा में निकाल रही थी डिब्बा में डायमंड धूल ली। चल सेरा बाबू, चलो भाई पहुंच गए हम दुकान पे। आई डी कार्ड से ले लूं? वाह, बता दूंगा कि जब लगो जब ना लगो। पेट एंड वेट। अरे हग्गो तुरंत ही सॉरी पोटी कर दी इसने। चलो भाई इसकी दुकान में चलते हैं पूरी गैंग को लेके। यूं तो ही हाँ, यूं ही तो ही आप बदल के आ जाओ। दूसरे डॉग्स की इसमें डॉग्स की स्मेल बन रखी है पूरे कंप्लीट, इसलिए ऐसे करता है ये। यार कैसे बैठे रहे हैं पूरे दुनिया में, वो आ जाते ना कम जाती है यार स्मेल आती होगी। नो भाई ला रहे हैं इसका दूसरा इंजेक्शन। खाने का भग रहा का लगा तू ही। अच्छा इसका फ्रेंड है, लगा भी दे बस पकड़ लियो टाइट, पकड़ के रख लिया। और बड़े प्यार से लगवा ले, बस लग गया डन। बस डेट सो मच इजी भाई, ले आराम से रेस्ट कर। अरे आ जाओ तुम ना खाएगा, आ जाओ। अरे उन पे ही कर रहा हूं, आ जाओ। पता ना उन्हें क्यों भड़क रहे हो इन पे डूलर पे। चलो भाई अब अपना उसमें चढ़वा लेते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट। अरे भाई सेरा भाई एग्रेसिव मत हो भाई, हाँ माँ कहीं की भाई पिट बोला कहते प्योर बहुत एग्रेसिव हो रखा है देख लो, किसी को भर लेगा ना मोड़े में छोड़ेगा नहीं। तो भाई यहाँ पे भाई ने चढ़ा दिया है, 1 तारीख को लगाया, एक और बच रहा है भाई लास्ट। हाँ 21 दिन बाद एक और लगेगा, 21 दिन बाद लगता है वो रहेगा लास्ट हमारा रेबीज का। फिर कोई टेंशन नहीं, किसी को खा जाएगा तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी। ये लगी भाई की स्टैंड, कितने रुपए की है भाई? 300 का। देखो कैसे भाग रहा है भाई, ये बहुत एग्रेसिव हो गया है। तो मैंने वो चढ़वा लिया है भाई अपना, 21 दिन बाद वो चढ़ेंगे। चल सेरा बैठ जा बाबू गाड़ी में, चलो आराम से बैठो सीट। हाँ खुद तो चढ़ गो, पिछली बार ना चढ़ रहा हूँ। अब यहाँ ना भागने की लग रही है, यहाँ तक कहाँ आ गो मैं, अपने एरिया में चलूँ। बैठा ले ऊपर बैठा ले, कोई दिक्कत ना है। चलो भाई लेके चलें, कई बार स्पेशल भाई इनका काम भी करवाना पड़ता है यार। बहुत ड्यू हो रहा था, मैंने कहा एक दिन इसके लिए फुर्सत में निकालेंगे ही, नहीं तो डिले होता रहेगा ना, फायदा नहीं। इन बच्चों को किसी को काट ले रिस्की है। तो अब तू खड़ा हो तो चल चल, इसकी टांग बैठेगा आराम से रेस्ट कर। टांगे कुछ नहीं है ऐसे ही, ये को पोसित है। चलो खड़ो ना ऐसा का कुछ बैठे कोई कता ही को पोसित है। चलो भाई अब चलते हैं अपना घर, भाई ने खाने का ना दे ऐसे ही खुद है राखी ऐसे बालक का। भाई मैं भी आकाश तो कह रहा हूं कि आकाश चुप लगवा लिए है ना, मतलब जल्द से लत्तर ना करे आराम से ढक्कन से बना के। आकाश कहता तभी वार्डन का ही और जोश मारा को ना, हवाबाजी कर रहा हो भोंक के दिखा रहा हूँ सब, क्योंकि सब इसको देखने लग गए थे ना आसपास के दुकानदार और भी। आकाश इज सो नोटी ब्रो। आकाश भाई मेरे को एक और चीज एक्सप्लेन करो यार, ये पतला क्यों हो रहा है शेरा इतना, मतलब वाह है। जब बढ़न पर एक रहे ना तो शरीर को बढ़न पर एक रहे मतलब क्या ग्रो होता है, जब हाइट बढ़ती है इंसान की हो गई या जानवर की हो गई कुत्ते उत्ते की, तो उस टाइम में शरीर नहीं फैलता, उस टाइम में ऊपर की तरफ बढ़ता है। जब ये हाइट ही अपनी बढ़िया वाली ले लेगा उसके बाद में फिर शरीर में फैलने पर जोर देगा। अच्छा जैसे ये है ये क्यों पतले हो रहे, ये भी लंबे होते जा रहे हैं लंबे हो रहे हैं, तो जब इनका शरीर बढ़ जाए जब ये लंबे हो जाएंगे तो फिर शरीर बढ़ जाएगा। यार औरन के कुत्ता ऐसे झांकते रहे शीशे में तो जैसा कह ही रहे हैं शहरी, यार हमारा तो झांके ही ना आयो। तो शीशे खोलेगा तो झकवाएगा तो। ओहो हटो तो यार रोज के गाड़ी में लिए डोले है ना उन्हें। हां उन्हें आदत है जाए हमारा तो चार कभी कभार कोई एक दिन सुई लगवाने चले सीट पर चढ़ाना को कोई बात नहीं, क्या होगा सीट कवर जब भी चेंज मांग रहे यार, फट गए ये वाले सीट कवर से ना, वी विल चेंज देम सून। 3 साल हो जाएंगे अगस्त में गाड़ी है यार, ये गाड़ी 3 साल है यार पता ही ना चली। हाँ अब भी है ना जब भी 3 साल वाली गाड़ी ना पता चल जाए 3 साल पुरानी है, पर यहाँ की पता ना चले। और भाई पता है यार मैं आज भी देखता हूँ ना मेरे को ऐसे फील आते है कि अभी तो लेके आये हम इसकी डिलीवरी,
इतनी बढ़िया गाड़ी है कती बहुत ज्यादा यार बहुत, और माइलेज हम तेल डलवा लें यार भाई क्या करें गरीबी आ रहा है सही बता रहा हूँ, तेल ही नहीं है किसी गाड़ी में, इतनी प्लॉट ही प्लॉट खरीद ली ना क्या करें यार, लाखों का सामान करोड़ों का सामान जब जाता है ना, और लड़के से चल स्कूटी साड़ी में स्कूटी चलाती कैसे लगती है यार, ये आ रहे समाज ही होंगे। अच्छा अच्छा ओके चलो भाई तेल डलवा लूँ इसमें फुल करवा लेता हूँ इसकी, एक बार फुल करवाने के बाद 800-900 किलोमीटर तक छुट्टी हो जाती है। भाई देखो पेट्रोल पंप पे कितनी भीड़ है यार, मैं तो पहली बार इतनी भीड़ देख रहा हूँ हर तरीके से, कितना हो गया इतना ही बहुत है, ऑटो कट तक ही कर दो है 4600 का कर दो कोई बात नहीं, 10 रुपये का एक्स्ट्रा कर दो, अरे कार्ड है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पिछली क्लास में अलग थे इस बार, थैंक यू फुल फीस भी अलग आते जब टंकी फुल होती गाड़ी की, यहाँ इस परिसर सोना गुरुग्राम चले गाइस सिरा पी चढ़ जा खा मत जियो कभी मेरे हाथ खा जा वैसी जोश में देता हूँ 1920 की माइलेज ये है भाई गाड़ी तो जरा देखना नजर मार लो कितना 4700 का तेल 4600 का आयो 4600 का आयो 907 किलोमीटर की रेंज आ गई है भाई, यू है गाड़ी असली यार, वो कहाँ लड़ा 500 किलोमीटर की रेंज आती इतने रुपया में, क्या तू ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया, फॉर्च्यूनर हमने देख रहा हूँ वे भी ऐसी देंगी क्या फायदा तो बेच के फिर एक और क्रेटा सेल्ट हो लिया डीजल अब ईवी ले ले तो टियागो ईवी ईवी भी बेकार है, कहाँ बेकार है, अरे अभी कोई फ्यूचर ना है मुझे इतना कुछ प्रैक्टिकल खास नहीं लगता यार। अच्छा बहुत ज्यादा वो है आफत जाने के लिए ना बन जाता है इंसान, ओ भाई व्यू देख फोन में लग रहा है वैसे ना लग रहा हूँ नॉर्मल बादल लग रहे हैं ये फोन में अच्छा लगता है कई बार आइटम, और कई बार होता है कि भाई नहीं भी लगता जैसे लेह लद्दाख वगैरह तो रियल में भी अच्छा लगे, पिछली बार यही तो जिद पकड़े लगा है हम भी चले हम भी चलेंगे लद्दाख घूमने के मरो ही आएगा कोई वहाँ तो इतनी भाई ऑक्सीजन की कमी रहती है, मैं बच्चों को ले जाने का सोचा नहीं है गाड़ी में तो ना उतर जाएगा नहीं पता, तो ये तो छोड़ेंगे